पे आके देखो, मजाक वाली बात नहीं है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप सब सही होंगे। तो भाई मुझे जाना पड़ रहा है जेल, क्योंकि थोड़ा सा एक क्राइम कर दिया था हमने, तो उसके लिए हमें जेल खुद जाना पड़ रहा है। तो दिखाते हैं हम अपनी जेल की लोकेशन, जहाँ पे आज हम जा रहे हैं जेल में। ठीक है गाइस, तो सोना को भी बाय करते हैं हम। सोना होमवर्क कर रही है स्कूल का, तो ये देख सकते हैं सोना बैठ के कर रही है स्कूल का अपना होमवर्क। ठीक है सोना, तो पापा जा रहे हैं जेल में। ठीक है, तो बाय कर दो पापा को, तो चलते हैं फिर हम। ठीक है गाइस, तो भाई जेल में हमें खुद ही जाना पड़ रहा, पुलिस तो लेने के लिए आई नहीं, तो हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। भाई मुझे वहाँ छोड़ देंगे, ये गाड़ी लेके आ जाएंगे उधर। ठीक है, नहीं पूरे विदाई बुदाई देख आएंगे मुझे जेल की है। ठीक है, तो रास्ते में हम। ठीक है, बड़ा चल रहा अपने, बिल्कुल बदमाशी वाला गाना चला रखा भाई साहब, पूरा घोड़ा लगा रखा लो उन दोनों ने। पीछे नहीं हटना, भले जेल जाना पड़ जा। ठीक है ना। हाँ, तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। ठीक है गाइस, तो ये देख सकते हैं सेटअप है पीछे। तो भाई ये देखिए हमारा लॉकअप। तो आपको क्या लगा, मैं जेल जाऊंगा? यार ऐसा बंदा नहीं हूं मैं जो जेल जाऊंगा। ठीक है ना, ये लॉकअप रेस्टोरेंट है जो कि आज हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे थोड़ा। ठीक है गाइस, तो गाइस आपको क्या लगा, मैं सच में जेल जा रहा हूँ? नहीं यार, हम तो आज एंजॉय करने आए हैं थोड़ा। ये लॉकअप रेस्टोरेंट है यहाँ पे रुड़की रोड पे, तो इसमें चलते हैं आज आपको दिखाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अंदर की ओर। तो कैसा लगा मेरा मजाक है गाइस? तो चलते हैं अंदर, यहाँ पे सेटअप दिखाते हैं आपको। ठीक है, इस देखिए, तो आज बैठ के करते हैं अंदर कुछ स्पेशल। ये फुल सेटअप जैसे जेल में रहता है। देखिए ये बैरिकेड्स में जो कैदियों के लिए होते हैं जैसे। ये देखिए बैरिक नंबर 2, बैरिक नंबर 1, ऐसे कई सारे बैरिक बने हुए हैं इसमें। तो करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर। यहाँ पे आके देखो, मजाक वाली बात नहीं है यार, अब बैठ के यहाँ पे ऑर्डर देना ही पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। ठीक है, इसकी रिहाई का एक ही लाज है, ऑर्डर दो बैठ के कुछ भी आप। ठीक है गाइस, तो खुलवाते हैं अंदर बैठ के, लगवा के खाएंगे खाना जैसे कैदियों को महसूस होता है। देखते हैं आज वही फील कर। सर जी प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, जल्दी ऑर्डर दे दे हम, टेंशन ना लो आप। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया बिल बना के जाके, टेंशन ना लो आप। ठीक है जी, एक कोट दे दो। आप कोई कर दो, लाल वाले कर दिया इन्होंने, बिल पे नहीं करा। तो सर जी मेरे माफ कर दो जी, माफ कर दो, पैसे पैसे भेज दो जल्दी, खाते में पैसे दे खाने यहां जी, बिल बिल पे करना। ठीक है, आपसे बोल लो, हम भी महसूस करेंगे आज कैदी जेल में जाकर कैसा खाना खाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं क्या फील होता है यहाँ बैठ के हमें भी। ठीक है गाइस, पर प्लीज यार लाइक करो हमारी वीडियो, देखो कैसी कैसी अच्छी जगह दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे भी और दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी चीज, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने के लिए मिलता है। ठीक है, जेल में तो यार दाल रोटी मिलती है, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है स्पेशल आज खाने के लिए। ठीक है, फुल भाई फुल फुल। तो भाई फुल जेल वाला सेटअप है यहाँ पे। ठीक है ना, देख सकते हैं पीछे भी हमने भी हथकड़ी वगैरह लगा के पूरा गेटअप सेटअप बनाया, फोटो वोटो भी खींचे। आओ यार आप भी आओ यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छी जगह है। तो भैया से बात करते हैं जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं, तो उनको इसके बारे में कैसे आइडिया आया तो पूछते हैं उनसे। ठीक है गाइस, तो भैया से नाम पूछते हैं, भैया का नाम। हेलो फ्रेंड्स, मैं
मेरा नाम अरुण सैनी है, अरुण कुमार सैनी। अच्छा, तो भैया आपको कैसे आइडिया है इसका, रेस्टोरेंट का? दो तीन साल से हमारा प्लान था रेस्टोरेंट का। जी जी। अब दो एक डेढ़ साल से ये चल रहा था कि क्या करे, कुछ नया करे, कुछ नया अपने में रेस्टोरेंट में या कोई ढाबा रेस्टोरेंट खोलने के लिए। ये था कि नॉर्मली सब नाम चलते हैं हरवाल वाले या और सैनी ढाबा हो गया या सैनी रेस्टोरेंट कोई भी चीज हो गया, तो हमारा था कुछ यूनिकता देने के लिए। अब उसके लिए प्लानिंग द्वार में चोटी वाला का फेमस है, कुछ यूनिकता देना था आपको, कुछ था कि कुछ तो देने। तो ये आइडिया अभी मेरे बड़े भैया है जो गुड़गांव में जॉब करते हैं, तो उन्होंने कुछ हिंट दिया कि यार कुछ ऐसा करो कि कुछ नया अलग सा ही हो, मतलब ना कि जिससे ना खाना तो सभी देते हैं, सही बात है, सभी देते हैं, कुछ कम भी देते हैं, तो बाकी ये था कि कुछ नया सा हो। तो उन्होंने मुझे हल्की सी हिंट दिया, बड़े वाले भैया थे, उन्होंने कहा कि यार कुछ इस टाइप में। तो फिर एक लोकअप का जेल का थीम बताया उन्होंने, तो मैंने कहा जेल का तो नहीं, फिर मैंने कहा एक काम करते हैं हम लोकअप का चलते हैं। ठीक है। तो लोकअप का वो फिर इसमें कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, तो उसका सेटअप बना, उसका फिर एस्टिमेट बनाया, तो हमने कहा कि लोकअप की थीम देते हैं। तो लोकअप का फिर इसमें हमारा उस वहाँ से स्टार्ट हुआ आइडिया। उसके साथ साथ फिर हमने कोशिश किया कि यार साथ साथ लोकअप तो ठीक है, बाकी हमें खाना भी ऐसा दें कि लोग एक बार जुड़े, फिर रिटर्न में आए, तो जब तक रिटर्न में नहीं आएंगे तब तक हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा वो कोशिश की देने की लोकअप रेस्टोरेंट के लिए। अभी थोड़ा सा कुछ काम हो रहा है, जैसे हमारे पास ड्रेसिज है, तो लोकअप की बंदे ही बोल रहे थे कि जो सर्व करने के लिए आएंगे उनको ड्रेस नहीं चाहिए, ईद की वैसे कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हो गई। कुछ डमीज है, बाकी और थीम अभी इसमें 3D में आने वाली है, तो वो सब कोशिश करेंगे लोग आए उस चीज को फील करें बैठ के, तो वो सब चीज आइडिया स्टार्टिंग। ठीक ओके, ठीक है। तो भैया ने वही बताया, भाई खाना तो सभी खिलाते हैं, नाम है यूनिक करना, तो थोड़ा कुछ अलग सा भैया के दिमाग में आइडिया था कि भाई कुछ अलग सा करेंगे, खाना तो सभी खिला रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में उठा के, तो भैया ने वही सोचा थोड़ा भाई यूनिक सा नाम देंगे तो कुछ अलग ही होगा। तो भैया का क्रिएटिव आइडिया काम करेगा, शायद अच्छा ही होगा। अब खाना खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ पे, फिर हम बताते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो भैया को हमने ऑर्डर दिया था, हमारा ऑर्डर आ चुका है, अब उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो भाई ये पहला आइटम आ चुका है हमारा, नूडल्स हमने ऑर्डर किए थे, अब टेस्ट करते हैं इनको। ठीक है, देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं यार, खा के भी पता चलेगा। तो भाई नूडल का टेस्ट तो बड़ा टेस्टी यार, मज़ा आ गया खा के। ठीक है ना, एक बार ट्राई करो आके, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भाई दूसरा आइटम आ चुका है मंचूरियन हमारे, इसे भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखने में बड़ी टेस्टी लग रही है मंचूरियन भी, अभी ना टेस्ट करते हैं हम गाइस। तो भाई खाने में टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट बहुत बढ़िया है, कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमने नूडल्स किए थे और मंचूरियन ऑर्डर किए थे, खाने बड़े टेस्टी लगे हमें, आप भी आइए प्लीज़। ठीक है गाइस, क्योंकि ये सेटअप यहाँ पे लोकल में कहीं नहीं मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में मिलता था, अब हमारे छोटे शहर हरिद्वार जैसे शहर, रुड़की जैसे शहर में भी मिलने लगा है, तो आइए आप लोग। ठीक है, तो भाई जेल में बैठ के खाना वाना खा लिया हमने, अपना जो भी ऑर्डर किया था फीलिंग करी, कैदियों को कैसे महसूस होता है देखो। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से निकलते हैं हम। ठीक है, बिल हमने पे कर दिया है, अब चलते हैं बाहर की ओर। तो भाई सरकार से उम्मीद करेंगे खाना सही दे जेल में जाने के बाद कैदियों को भी। तो भाई अब चलते हैं बाहर। ठीक है गाइस, बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ये कैदी जा रहे हैं, इनकी रिहा हो गई है। ठीक है भाई, चलते हैं घर। तो भाई ऐसी जेल हो तो बार बार आने का मन करेगा किसी का भी। ठीक है ना, तो जल्दी कोशिश करेंगे हम भी जल्दी आए यहाँ पे, क्योंकि आके यार मजा आ गया, खाना खाने में मजा आ गया, और भाई अंदर का सेटअप देख के भी बहुत मजा आया। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मेन हाईवे पे है, और अच्छी गाड़ी खड़ी करने की भी सुविधा है, सब कुछ है। ठीक है गाइस, तो एक बार आइए आप भी यहाँ पे। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं हम भी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।